नमस्कार मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो कि 145 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है इस समय अगर इसके इंडिविजुअल अपडेट्स को फाइंड आउट करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके जो वॉल्यूम थे उसके मंथली अपडेट्स ही एक बड़े अपडेट्स हैं इसके अलावा देखेंगे तो इन्वेस्टर मीटिंग जो कि कॉमन है हर किसी के अनाउंसमेंट के वही अपडेट्स हैं इसके अलावा कुछ भी बड़े अपडेट्स अपने को देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन यहाँ देखेंगे बिजनेस लाइन की एक बड़ी खबर क्या है कि सीई जो सेंट्रल रेगुलेटरी है इलेक्ट्रिसिटी को जो रेगुलेट करती है कंट्रोल करती है टू कंडक्ट कम्प्रीह ऑडिट ऑफ पावर एक्सचेंज ऑपरेशन जो पावर एक्सचेंजेस के ऑपरेशन है उसको उसके ऑडिट करेगी और ये कोई बड़ी खबर नहीं है द रेगुलेटर सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ द पावर एक्सचेंजेस टू डील एजेंस एक्सचेंज लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है चेकिंग मार्केट मैन्य कोई नहीं कर रहा है इस प्रकार के ऑर्डर को वो चेक करेगी थर्टी वन लैख का वॉल्यूम है सिक्स लैख बायर फिफ्टीन लैख सेलर और डिलीवरी लगभग फोर्टी टू परसेंट चार्ट को देखे चार्ट को देख करके ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है हर बार स्टॉक टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ अपसाइड के ट्रेंड में जा रहा था यहाँ से न्यू सी आर सी वाली आई और ट्रेंड कंटिन्यू हुआ अगेन जो ट्रेंड दिख रहा है वो हायर हाई हायर, हायर लो का ही ट्रेंड दिख रहा है आप सिंपली इस चीज को समझें कि जब तक 135 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता है ट्रेंड वीक नहीं है इस समय अगर आप लॉन्ग करते हैं तो 148 के लेवल का वेट करें अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है वन फोर्टी एट का तो ईजली वन फिफ्टी सिक्स और वन सेवेंटी टू के शॉर्ट टर्म ट्रेडर का टारगेट होगा विद एस एल बिलो वन थर्टी फाइव और अगर लॉन्ग टर्म होराइजन के टारगेट को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म होराइजन में आर एस आई भी फिफ्टी के आसपास का है ये पूरा ही एक कंसोलिडेट जोन है जो इन्वेस्टर ऑलरेडी हायर प्राइस पे फंसे हुए हैं उनके लिए होना चाहिए कि 170 के ब्रेकआउट का वेट करें जहां से उनको एक बड़ा टारगेट 270 से 400 जैसा लेवल भी दिखेगा लेकिन कब जब इस लेवल को ब्रेकआउट करे तब तब तक ये कंसोलिडेट जोन में है तो बिल्कुल निवेश